जिला मुरादाबाद में कलेक्टर सभागार में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत शनिवार को कलेक्टर परिसर में हुई। जिलाधिकारी ने महिला नोडल अफसर और गणमान्य लोगों की मौजूदगी में स्कूली बालिकाओं की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान प्रोबेशन अधिकारी राजेश गुप्ता, सीओ एंटी रोमियो स्कॉर्ट, जिला प्रभारी बालेंद्र यादव सहित तमाम अफसर मौजूद रहे। कार्यक्रम तीन नवरात्रों से लेकर वासंती नवरात्रों तक चलेंगे, तो हम लोगों का प्रयास रहेगा सभी विभागों के समन्वय से नारी सम्मान, नारी सुरक्षा और नारी स्वावलंबन के लिए हम लोग कार्य करें और लोगों को प्रेरित करें। क्या मानती है इस वक्त क्या जरूरत महसूस हो रही है इस अभियान को चलाने में? चूँकि नवरात्र के दिन है और माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक है, तो ये बहुत उचित समय है कि नारी शक्ति के लिए हम लोग कुछ काम करें। ये रैली आज शुरू की गई, कहाँ कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक पहुँची? ये रैली कलेक्ट्रेट से जिलाधिकारी महोदय और अध्यक्ष बाल संरक्षण आयोग के द्वारा, SSP साहब के द्वारा झंडी दिखाकर यहाँ पर आरंभ किया गया और इसका समापन महिला थाने पर किया गया है। इसके बाद 4 LED वैन्स हैं जो तहसीलों में जाकर के ग्रामीण क्षेत्रों में इस अभियान का प्रचार प्रसार करेंगे। कोई अपील करना चाहेंगी जनमानस से? मैं अपील करूंगी कि हम लोग माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं, लेकिन अपने घर में जो शक्ति है, जो अपने घर में शक्ति है, उसका सम्मान करें, उसको उसकी सुरक्षा करें और उसको स्वावलंबी बनाएं। थैंक यू।